दोस्तों चलिए इस वीडियो में उस लेटर के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो सूर्य सर के पास एक लेटर आया है। चलिए ये लेटर कहाँ से आया है, सूर्य सर के पास क्यों लेटर आया है और इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले लेटर को ओपन करते हैं और लेटर में हम आपको दिखा रहे हैं लेटर में क्या लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी जिस लेटर का हम जिक्र कर रहे थे 12 बजे लाइव में, वो यही लेटर है। देख लीजिए कहाँ से ये लेटर लिखा गया है, कहाँ से ये लेटर आया है, किस पता पर। इस पता से लेटर लिखा गया, इस पता पर आया है। फॉर्म डिप्टी सेक्रेटरी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन हार्डिंग रोड 19 पटना। देख लिए इस पता से लेटर लिखा गया और इस पता पे आया है, जो कि ये आयोग के पता, आयोग लेटर लिखा है। देख लीजिए टू श्रीमती बीना कुमारी श्री सुजीत कुमार, इनका एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, आपके सामने हम देख लीजिए, आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए अब इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, BTSC आयोग इस लेटर के माध्यम से बीना कुमारी को क्या अवगत कराने का प्रयास किया है, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों सूचना, आप सभी को सूचित करते हुए बताना चाहता हूं कि बीना कुमारी केवियटर द्वारा मेरे नेतृत्व में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के एक पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट की ऑर्डर लगाकर सभी 2018 कैडर रूल के अनुसार काउंसलिंग कराने की अनुरोध किया गया था, जिसका कल जवाब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के संयुक्त सचिव राष्ट्रीय पोस्ट के माध्यम से बीना कुमारी को काउंसलिंग संबंधी सूचना भेजी गई है, जिसमें आयोग ने लेटर में साफ साफ कह दिया कि मैं काउंसलिंग के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो अधियाची यानी विभाग की सूचना की प्रत्याशा में अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं किया हूँ, यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग भी कोर्ट में साफ साफ कहेगा कि मैं तो विभाग की सूचना के प्रत्याशा में काउंसलिंग की तारीख अभी तक घोषित नहीं कर पाया, इसलिए अब पूरी तरह से गलती विभाग प्रधान सचिव को है। आगे देख लीजिए, इसलिए विभाग को सुप्रीम कोर्ट में इस लेटर से भी खूब फजीहत कराऊंगा, क्योंकि आयोग अपने बचने के ख्याल से अपना सूचना बीना कुमारी को दे दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, विभाग का है, इसलिए बहुत जल्द सबकी दवा होगी। सुजीत कुमार संयुक्त मंत्री, जो कि देखिए 11:11 में मेरे पास सर का ये मैसेज आया। समझ में आ गया, BTSC आयोग अपना हाथ खड़ा कर दिया, जो हम काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार हैं, बट जब तक हमको आयोग से ऑर्डर नहीं आएगा तो हम काउंसलिंग कैसे करवाएं, कैसे लेटर। तो आयोग अपना हाथ खड़ा कर दिया, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में मजा आएगा। चलिए आगे बता रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लिए BTSC आयोग के द्वारा ये लेटर लिखा गया है बीना कुमारी के नाम से। ठीक है, BTSC आयोग अपना हाथ खड़ा कर दिया है, जो हम तो काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार है, स्वास्थ्य विभाग अभी तक हमें ऑर्डर नहीं दिया है, इसलिए हम काउंसलिंग के लिए लेटर जारी नहीं किए। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो BTSC आयोग अपना हाथ खड़ा पहले कर दिया है, लेटर भी हम लोग के सबूत आ गया है, तो BTSC आयोग तो कहेगा जो हम तो हजूर काउंसलिंग करवाने के लिए हमेशा तैयार है, स्वास्थ्य विभाग हमें ऑर्डर नहीं दिया इसलिए हम काउंसलिंग नहीं करवाए। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कैसे फंसेंगे, कैसे कोर्ट में उनको घसीटा जाएगा, समझे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अब कैसे कोर्ट में घसीटा जाएगा अब देख लीजिए, क्योंकि BTSC आयोग साफ साफ अपना लेटर के माध्यम से बता दिया है जो हम तो काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार है। तो इसीलिए आप सरकार देखिए कैसे चंगुल में फंस गया, हम लोग के चंगुल में सरकार कैसे फंस गया है। इसीलिए आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं, आपको परेशान होना है, इसलिए हम लाइव में आपको बता रहे थे और चेहरे पर इतना मुस्कुराहट है और उसी समय भी मुस्कुराहट था, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना नहीं आपको परेशान होना है। सूर्य सर को दिल खोल के सपोर्ट कीजिए, सर का स्कैनर लगा दिए, सर का नंबर लगा दिए, आप लोग सूर्य सर को सपोर्ट कीजिए, 100% सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को जीत मिलेगी, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, कोई दोहराई नहीं है जो हम लोग को जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार को अभी पूरी तरह से हम लोग अपने चंगुल में जकड़ लिए और सरकार जानबूझ के फंसा है, इसलिए क्योंकि BTSC आयोग भी हम लोग का फेवर में आ गया है, जो हम तो काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार है, मेरे पास लेटर ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग जारी किया या स्वास्थ्य विभाग हमें ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए हम काउंसलिंग अभी तक नहीं करवाए। सिंपल बात है भाई, सिंपल बात है। तो इसीलिए आप लोग दिल खोल के सूर्य सर को सपोर्ट कीजिए, सभी स्टूडेंट, ताकि सूर्य सर एडवोकेट को पेमेंट दे देंगे और हमारे दोनों सीनियर एडवोकेट मैदान में उतरेंगे 12 अगस्त को। चलिए फिर 5 बजे मिलते हैं, 5 बजे जो भी जानकारी रहेगी इस वीडियो में, जो भी जानकारी
देना था, हम आपको बता चुके हैं, आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप लोग सुरजीत सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अब आपको जो है ना बैठने की आवश्यकता नहीं है, ये अंध भला तो सब भला, ठीक है, ये आखिरी मौका, इसलिए सुरजीत सर को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं 5 बजे में, जो भी अपडेट आएगा 5 बजे में हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू।